ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव का मानना है कि सरगुजा संभाग में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अच्छा टक्कर दे रही है और भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी जीत रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया उनके बागी रुख का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। श्री देव ने कहा कि अंबिकापुर में बाबा के विरुद्ध राजेश अग्रवाल अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कोरबा प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा संभाग में बृहस्पति सिंह, डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के अलावा चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर चिंतामणि महाराज तो भाजपा में शामिल हो गए। वहीं तीन अन्य कांग्रेस नेताओं की नाराजगी का लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है। तो व्यापक रूप से जो टिकट कटी है उसका आक्रोश और भीतरघात इस समय कांग्रेस में चरम पर है और मैं मानता हूं कि सरगुजा में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और अब पूरे प्रदेश में आज दो दिन का जो फीडबैक है, हम रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा संभाग के जिन भाजपा नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है उनकी नाराजगी का कोई असर भाजपा प्रत्याशी पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आपने अभी जो बताया है 5-6 लोगों को आपने बहिष्कृत कर दिया, इसका नुकसान भी तो आपकी पार्टी को होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ता जब तक कार्यकर्ता रहता है उसका सम्मान रहता है, जब वो कार्यकर्ता उस दिशा से आगे भटक जाता है तो पहले तो उसको समझाने के का प्रयास होता है और नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई। अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे टीएस सिंहदेव के विरुद्ध चुनाव लड़कर हार का स्वाद चखने वाले अनुराग सिंहदेव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल बलि का बकरा नहीं है बल्कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल और, आप सिंहदेव जी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार ये कहा जा रहा है वहां उनके कार्यकर्ताओं की ओर से कि राजेश अग्रवाल को बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा कोई नहीं होता है। राजेश अग्रवाल एक व्यापारिक क्षेत्र से आते हैं और मैं मानता हूं कि एक प्रभावी तरीके से भी चुनाव में है वो, और सिंहदेव जी के दांत खट्टे करने के लिए वो पर्याप्त होंगे ऐसा मुझे।